परंपराएं कैसे शुरू होती है? परंपराएं शुरू होती है आवश्यकताओं के हिसाब से। जब समाज को नियमों की ज़रूरत होती है, जब समाज को एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो परंपराओं की शुरुआत होती है। लेकिन जब हम समय के साथ इन परंपराओं को नहीं बदलते, जब हम इन परंपराओं में अपना तर्क, अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं, तो ये परंपराएं कुरूतियाँ बन जाती है। जैसे आज भी बिल्ली के रास्ते काटने पर बहुत सारे लोग अपने आप को इधर किनारे कर लेते हैं और दूसरों को जाने देते हैं। भाई ये कैसा धर्म है? तुम खुद नहीं मारना चाहते, लेकिन तुम अपनी वजह से किसी को मार देना चाहते हो। बिल्ली ने रास्ता काटी, तुम नहीं जाओगे, लेकिन किसी को आने दो ताकि वो मर जाए। दोस्तों, ये पूरी तरह से तर्कपूर्ण नज़रिए से अगर आप इस बात को देखेंगे, तो बेवकूफ़ हैं जो बिल्ली के रास्ते काटने पर रुक जाते हैं। क्योंकि आज से 200 साल पहले या फिर 150 साल पहले ही हम बात कर लें, तो लाइट नहीं होते थे, स्ट्रीट लाइट नहीं होते थे, क्योंकि बिजली ही नहीं थी। तो होता यह था कि जब रास्ते से बैलगाड़ियां या फिर घोड़े जाते थे, तो अचानक बिल्ली के रास्ते काटने पर वो बिचक जाते थे और रास्ते से भटक जाते थे और रोड के नीचे उतर जाते थे। इसीलिए जब भी बिल्ली जैसा जानवर या फिर कुत्ता, कुत्ते को देखकर इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि कुत्ता धीरे से या फिर सामने से जाता है और बिल्ली अचानक से सामने आती है, जिसके कारण जानवर डर जाते थे, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए टांगा बैलगाड़ी को रोक लिया जाता था ताकि उनके बैल शांत हो जाए और फिर वो आगे बढ़े। लेकिन आज तो बात ही कुछ और है। तो इसी तरह से जब आप अपनी प्रथाओं पर, अपनी परंपराओं पर दिमाग लगाना छोड़ देते हैं, तो परंपराएं कुरूतियां बन जाती है और फिर जिन्हें ख़त्म करने के लिए पुनर्जागरण की ज़रूरत होती है, रेनेसा की ज़रूरत होती है, और फिर राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जैसे लोगों को समाज में निकलना पड़ता है। इसी तरह की आज की इस मूवी की कहानी है, जिसका नाम है दीक्षा, और कह सकते हैं कि नाना पाटेकर के फिल्मी करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें उन्होंने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है। कहानी ऐसी है कि यहाँ पर एक नन्नी नाम का छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्राह्मण होता है, जिसके पिता को बहुत सालों बाद उसकी प्राप्ति होती है, यानी कि शादी के बहुत साल बाद नन्नी का जन्म होता है। उसके पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरे यहाँ पुत्र हुआ या मेरी संतान हुई, तो मैं उसे प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित बनवाऊंगा। तो फिर बात हो जाती है, जब बच्चा हो जाता है, तो फिर वो उन्हें, जब वो बड़ा हो जाता है 8-9 साल का, तो फिर वो गुरुकुल लेकर जाते हैं। फिर गुरुकुल में दाखिला करवा देते हैं। दाखिला थोड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि गुरुकुल के आचार्य कहते हैं कि भैया अब तो अंग्रेज़ों का समय है, अब अंग्रेजी शिक्षा का समय आ गया है, और तुम कहाँ गुरुकुल में पढ़े हो, तुम कहाँ मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो। तो फिर वो मना लेते हैं उन्हें, और फिर गुरुकुल में नन्नी का एडमिशन हो जाता है। और फिर गुरुकुल में ही एक कावेरी नाम की लड़की होती है, जो कि हमारी आपकी उम्र की होती है, उसका चलता है किसी से अफेयर, और अफेयर का परिणाम क्या होता है और उस लड़की के साथ में लास्ट में क्या होता है, यह आपको देखना होगा। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि आज से 200 साल पहले औरतों की क्या कंडीशन थी। उसका पिता उसके जीते जी उसका श्राद्ध, उसका पिंडदान कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा स्थिति उसकी बुरी कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कोका नाम का एक कैरेक्टर है, जिसको प्ले किया है नाना पाटेकर साहब ने, और वो इतना लाजवाब है। वहाँ पर नाना पाटेकर एक शूद्र यानी कि नीची जाति के व्यक्ति के रूप में एक्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि केवल वो एक जानवर की तरह ही रहते हैं, ना वो केवल अपनी बात रख सकते हैं और ना केवल वो कुछ कर सकते हैं, बस वो एक जानवर की तरह है। ब्राह्मण कहें, क्षत्रिय कहें, या फिर ऊंची जाति के कोई भी लोग उन्हें ऑर्डर देते हैं और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन लास्ट में जो कोका करता है, वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, और वो आपको देखना चाहिए। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस फिल्म में कहीं भी लास्ट में आपको ये नहीं दिखाया गया कि सब कुछ ठीक हो जाता है, लास्ट में भी आपको ये दिखाया गया है कि कुछ भी ठीक नहीं होता। और यही आज से 200 साल पहले की कहानी थी, और कुछ गांवों में ये कहानी आज भी है। क्यों हम ऐसे ना जाने वर्ग भेद करते हैं, क्यों हम ऐसे ऊंची और नीची जाति में उलझे हैं, क्यों हम धर्म के भेद में उलझे हैं, जबकि हमारा शरीर एक जैसा है, हमारे रंग, हमारे कपड़े, हमारी वेशभूषा, हमारी बोलचाल सब एक जैसी है, उसके बाद भी ना जाने क्यों हम बंटवारा करते हैं और बंटवारे में अपना अपना हित देखते हैं।
मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर चुका हूँ, और आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों की कंडीशन और किस तरह से वो गुजरे होंगे। और अगर आप ब्राह्मण है या ऊंची जाति के हैं तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने शोषण किया निचली जाति का, और अगर आप नीची जाति के हैं तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से हमारा शोषण हुआ है। आज भी अगर हम जातियों में उलझे रहे, आज भी हम धर्मों में उलझे रहे, आज भी हम क्षेत्रों और भाषाओं में उलझे रहे, तो फ़ायदा उठाने के लिए नेता नाम की चीज़ है। इसीलिए उलझिए मत, सुलझिए और सब मिलकर रहिए, क्योंकि मिलकर रहने में ही खुशी है, मिलकर रहने में ही मज़ा है, क्योंकि मुट्ठी बंद हो और मिली हो तो ज़्यादा ताकतवर होती है, उसके खुलने पर उसकी कमजोरियां नज़र आती है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।